तो दोस्तों, मित्र इजराइल ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का अभियान जोरों शोरों से चालू कर दिया है और खबरें अब ऐसी आ रही हैं कि हमास के लड़ाके तो छोड़िए, इजराइल चुन चुन कर हमास के कमांडरों को ठोक रहा है। दरअसल जब से हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर धावा बोला है, तब से इजराइल के लगभग 500 नागरिक मारे जा चुके हैं और 2000 से भी ज्यादा की संख्या में इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं। अब इतनी सारी तबाही का जो सीधा दृश्य है वो हमास के कमांडर बैठकर अपने बंगलों में देख रहे थे, तभी वहां पर इजराइल की स्पेशल फोर्सेस और इजराइल की एयरफोर्स की एंट्री होती है और खबरों के मुताबिक माने तो हमास के एक नेवल डिप्टी कमांडर मोहम्मद अबू अली को इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने जिंदा ही पकड़ लिया है और इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में हमास के दो बड़े कमांडर जिनमें से एक का नाम मोहम्मद कासा है और दूसरे का नाम है अबू हलाल, इन दोनों ही हमास के कमांडरों को इजराइल की तरफ से करी गई एयर स्ट्राइक में कल रात ही निपटा दिया गया है और इसके बारे में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें इजराइल ने बताया कि कल रात की एयर स्ट्राइक में हमने दो बड़े कमांडरों समेत हमास के कई लड़ाकों को ठिकाने लगा दिया है और ये वही कमांडर थे जो कि इजराइल के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बनाने में एक बड़ा हाथ रखते थे और अब इन्हीं को इजराइल के द्वारा चुन चुन कर मिट्टी में दफन किया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।